हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? ऑन टाइम हम सभी लोग 4 बजे लाइव हो चुके हैं, राइट है ना। 4 बजे का मतलब 4 बजे, 4 PM का मतलब 4 PM, राइट। चाहे कुछ भी हो, वी हैव डेफिनेटली आई विल बी लाइव ऑन टाइम एंड यू मस्ट हैव टू बी लाइव ऑन टाइम एट 4 PM बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? आज मैं नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जीरोज को लेकर के डिस्कस करूंगा, ठीक है। तेरे को कल वाली समझ में आया था, तुमको भी आ गया, सबको आ गया था, ठीक है। तो आज हम नंबर ऑफ जीरोज वाले कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसको समझेंगे और किस तरीके से हम लोग करेंगे, राइट। जो जिस भी लेवल पे अभी तक जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जिस भी लेवल का, राइट, हम लोग उन सभी लेवल के क्वेश्चंस को डील तो करेंगे ही, लेकिन उससे यूट्यूब वाले बच्चे, क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। सभी लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको वाकई में आने वाले 1 घंटे तक मुझे देना, आपको बहुत कुछ यूनिक दिखाई देगा, राइट। बाकी थोड़ी देर मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कुछ बात कर लेता हूँ। तो दिस इज़ द डिमांडिंग हिंदी सेशन बाय मी, ये मेरे लिए, आप लोगों के लिए हिंदी सेशन है, राइट, जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से मैं केवल सीसैट पढ़ा रहा हूँ, साइंस टेक और एनसीईआरटी एंड इंग्लिश, राइट। तो मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, ये सभी इंडिया के इस बार यूपीएससी के टॉपर्स हैं, आप भी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि सर इन्होंने क्या कुछ ऐसा पढ़ लिया और हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आप वही चीज़ पढ़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सटीक है, राइट। हाँ, आपका थॉट प्रोसेस उस लेवल का होना चाहिए, राइट। तो उस लेवल के ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आए हैं आप लोग, राइट है ना। चलो शुरुआत करते हैं। तो बाकी आप अनअकैडमी पे अभी ऑफ़र चल रहा है, जुलाई का जो मंथ है, एक 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने फ्री मिलता है। अगर आप 18 महीने के कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेते हो तो 4 महीने फ्री होता है। 2 या 3 साल का लोगे तो 6 महीने फ्री होगा। सवाल आए कि सर क्या 12 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में क्या कराया जाएगा? आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर। वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस नहीं आ रही है क्या यूट्यूब वाले बच्चे? क्या आप सभी को वॉइस आ रही है? सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए कि आप सभी को वॉइस आ रही है, राइट है ना। उसके बाद 100% फी रिफंड है, राइट है। प्रतिज्ञा बैचेज को आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं, राइट, ओके। इन बैचेज को आप डायरेक्टली आप लाइव देख सकते हैं, ओके। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका ऑप्शनल क्या है? एक बार मुझे आप सभी लोग अपना अपना ऑप्शनल बता दीजिए, राइट है ना। ऑप्शनल आप सभी लोग मुझे अपना अपना ऑप्शनल बता दीजिए, ताकि मुझे रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट इज़ योर ऑप्शनल और आपका ऑप्शनल क्या है, राइट है ना। आपका ऑप्शनल क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है। बाकी ये सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। मेरा नाम संजय कुमार शाह है। मैं काफ़ी टाइम से अनअकैडमी पे हूँ और लगभग दिल्ली के कई सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं अनअकैडमी के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। 2 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर है सब इंस्टीट्यूट में, राइट। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। चलिए ठीक है, शुरुआत करता हूँ, ओके। देखिए कितना इम्पोर्टेंस है, आराम से बैठना है, ठीक है। मैं आज आपको संख्या पद्धति, राइट, हिंदी मीडियम के बच्चे जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर, राइट है ना, नंबर सिस्टम के अंदर मैं आज आपको शून्यकों की संख्या पढ़ाऊंगा, राइट है ना। मैं आज आपको शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में बताऊंगा, नंबर ऑफ जीरोज के बारे में बताऊंगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चे आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे कमेंट करके बताएं, और यूट्यूब के सभी बच्चे और आप लोग भी बताना, क्या मैंने आपको फैक्टोरियल में क्या पढ़ाया? जो फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट्स है, फैक्टोरियल की जो मैं बात करूं, फैक्टोरियल का बेसिक्स मैंने आपको बताया। आराम से करें, आराम से। सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पायल ऑप्शनल, वेरी गुड। आराम से सेशंस को सभी लोग लाइक करते चलें, लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, आगे बढ़ते चलें। लकी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। फैक्टोरियल बेसिकली इस फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, राइट है ना। जैसे मान लो कि आपने लिखा है फैक्टोरियल 2, ये 2 फिर 2 से पहले यानी कि उल्टा जाना है, 1/4, 2 × 1 आपका 2 होगा। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3, 2, 1, 6। फैक्टोरियल 4, 4, 3, 2, 1, 24, राइट। फिर देखो आपका फैक्टोरियल 5, 5, 4, 3, 2, 1, 124, 120, ठीक है। वैसे ही आप हमें फैक्टोरियल 6 का बताएं, फैक्टोरियल 7 का बताएं, इस तरीके से। इसी प्रकार अगर कहीं आपको फैक्टोरियल n दिखे तो आप कहोगे n, n-1, n-2, n-3, ऐसे जाओगे 3 × 2 × 1। यानी कि जो भी नंबर n से स्टार्ट्स होगा वहाँ लास्ट में 1 तक वो ज़रूर जाएगा। जो भी n से शुरुआत होगी वो अंत 1 से ज़रूर होगा। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे समझिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ से हमें बेसिकली आप फैक्टोरियल को 2 तरीके से देखते हैं बुक में लिखा हुआ, कहीं कहीं ऐसे दिखेंगे, कहीं कहीं आप ऐसे दिखेंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 तो 5 फैक्टोरियल आप इस तरीके से भी देखेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राइट, सभी लोग देखिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप 1 × 2 × 3 × 4 × अगर आप 5 करते हैं, राइट, 1, 2, 3, 4 × 5 अगर आप 5 करोगे, है ना, तो इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, अंत में आपके कितने जीरो यानी कि आपके शून्य होंगे, अंत में कितने जीरो यानी कि कितने शून्य होंगे, कितने जीरो कितने शून्य होंगे। 5 × 20 = 60, दूनी 120। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 120। 120 के अंत में कितने जीरो हैं, 1, यानी कि अंत में 1 जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे। चलो ये छोटी सी संख्या थी, राइट, तो आपने इसको गुना करके बता दिया। मेरी बात ध्यान से समझना, राइट। अभी मैं इसका आपको लॉजिक बताऊंगा, राइट, है ना, हाँ, राइट। अभी मैं आपको बेटा इसका मैं लॉजिक बताऊंगा। अंश यादव, अजू महतो, पूजा, लक्की, रक्षा, आराम से समझो, सचिन, ठीक है। देखो जैसे कि मान लीजिए आप सभी लोग, राइट, है ना, कभी भी कोई भी चीज़ अगर फैक्टोरियल के जैसे हो, फैक्टोरियल के जैसे हो, अगर आपको उसको अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको उसमें चेक करना है, तो मैं थोड़ी देर में इसको मैं और लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा। जैसे देखो ये था, ये इस तरीके से था, राइट, है ना, इस तरीके से था, ओके, कलर चेंज कर देंगे। देखो ये इस तरीके से था, तो आपको क्या फंडा यूज़ करना था, राइट, है ना, आपको फंडा यूज अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर वो चीज़ें लगातार लिखी हो, राइट, लगातार का मतलब कॉन्जुगेटिव लिखा हो, राइट, ध्यान से सुनना, कॉन्जुगेटिव हो यानी कि फैक्टोरियल के टाइप में हो, राइट, है ना, तो आपको उसको डिवाइड बाय 5 करके आंसर निकालना है। डिवाइड बाय 5, सर क्यों डिवाइड बाय 5 करना है, ये आपके मन में ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसको डील करूँगा। अभी मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही आप करते चलो, ठीक है ना, है ना, है ना, आराम से आप उसको सॉल्व करते चलना, राइट, ओके। देखो जैसे कि मान लो मेरे प्यारे बच्चे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो अगर आप 5 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5, ये 1, इसका मतलब आपका 1 जीरो होगा, 1 शून्य होगा। आराम से जैसे 1 × 2 × 3 × ऐसे अगर आप 50 तक जाएंगे, राइट, 50 तक जाएंगे, तो अगर आप 50 में 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 10 = 50, राइट। देखो एक ये आपका 10 जीरो, फिर से 10 में फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, राइट, फिर ये 2 बचा, राइट, तो ये वाला आपका 10 और ये वाला आपका 2, तो 10 + 2 आपका कितना आएगा, आपका 12 जीरो। चूँकि 2 में डिवाइड नहीं होगा, देखो 1 से लेकर के 50 तक आपने लिखा, आपने 50 में 5 से डिवाइड किया, 5 से भाग किया, तो ये आपका 10 आया। फिर इस 10 में क्या 5 से भाग जा सकता है, यस, फिर आपने 5 से दिया 2 बार, अब 2 में नहीं जा सकता, इसलिए ये 10 और ये 2 यानी कि 12 जीरो। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 5 में आपने 5 से डिवाइड किया 10, फिर इस 10 में आप 5 से डिवाइड करोगे 2, अब 2 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 10 + 2 = 12। आराम से अभी नोट डाउन करो, धीरे धीरे समझिए, राइट है ना, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। इज इट क्लियर? यस या नो? इज इट क्लियर? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, फालतू की चीज़ें में मत पढ़ो, है ना। फालतू की चीज़ों में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट है ना। उल्टा दुनिया आपके पास हंसेगी, राइट है ना, दुनिया उल्टा आपको हंसेगी। 30, राइट, 1 × 2 × 3 × 4 × 100, राइट, 100, राइट, फैक्टोरियल 500। इस 500 का आप क्या, देखो इसको आप जो है ना, इसको आप 100 फैक्टोरियल भी समझ सकते हो, इसको आप 30 फैक्टोरियल, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, बात एक ही है, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। केवल और केवल आपको समझने की बात है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आराम से देखिए, आराम से, राइट, 1 2 3 × 1000 तक, राइट, 1 × 2 × 3 5000 तक। आराम से कीजिए। देखो मैं अब आपका आंसर मैच करता हूँ। सभी लोग ध्यान से नोट डाउन करते चलना, अच्छे तरीके से सेशंस को लाइक करना, ज्वाइन करना, राइट। टेलीग्राम पे सभी लोग कनेक्ट रहा कीजिए। देखो 1 से लेकर के बेटा आप 30 तक करोगे तो आपको पता होना चाहिए 30 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 6 आएगा, राइट, 6 आएगा। ये 6 आया, ध्यान दीजिए। फिर आप क्या, आप इस 6 में 5 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ, एक बार जाएगा, ये 1 आया। क्या आप 1 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब 6 + 1 आपका 70 होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं, 6 आंसर देने वाले बच्चे तो महाढोको लोल हैं, तुम रियल में महाढोकोलोल हो, है ना, ढकलोल बच्चा हो, है। इतना आसानी से समझा रहा हूँ, इतना आराम से समझा रहा हूँ। अगर आप आराम से नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे समझें? क्या मैं अपना गर्दन काट के दे दूँ आपको समझाने के लिए? है ना, मैं समझ रहा हूँ सीसैट का पेपर का लेवल बढ़ रहा है और आपका लेवल अपने आप में आप कम करते जा रहे हो, ठीक है ना। सर मैं आपका पहली बार क्लास देख रहा हूँ, ठीक है सौरभ। देखो अब 1 से लेकर के बेटा 100 तक है, राइट है ना, तो आप क्या करो, 100 में 5 से डिवाइड करोगे तो भागफल कितना आएगा? 20 आएगा। क्या 20 में जा सकता है 5 से? हाँ जा सकता है, 4 बार, राइट, 4 टाइम्स, राइट है ना। क्या 4 में 5 से डिवाइड तो नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि जिससे डिवाइड करोगे वो उससे डिवाइड करने वाली संख्या अपने आप में छोटा है। तो आंसर क्या होगा? 20 + 4, ये आपका 24 हो गया। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। 500 का बताओ, 500 का बताओ, 500 का, ठीक है। थर्ड का 249, हमें हैरी भी आंसर दे रहे हैं, नानक भी आंसर दे रहे हैं, राइट है ना। गगनदीप, गगन गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रात को 10 PM वाला सेशन देखते हो कि नहीं देखते हो सभी लोग? राइट है, रात को 10 PM वाला सेशन आप सभी लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? देखो 500 है, 500 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 100 हुआ, वह 100, राइट। इस 100 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये 20 आया, राइट। इस 20 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 4 आया। इसका मतलब 500 फैक्टोरियल तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब आपके टोटल अंत में 124 होंगे। 124 शून्य की संख्या होगी, राइट, 124 होंगे और 124 शून्य की संख्या होगी। जियो मेरे से, वाह, ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट 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 ग्रेट, या। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, 1000 तक है, ठीक है। फिर देखो अगर आप 1000 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 200 आएगा। 200 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। 40 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओहो कितना आएगा, 1 आएगा राइट। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 आपका आंसर 249 होगा। कितना होगा आपका आंसर सर? योर आंसर विल बी 249। योर आंसर विल बी 249। ठीक है। अब 5000 वाले में बताओ, 5000 का आंसर बताएं तो सभी लोग 5000 का आंसर बताएं मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। 5000 का आंसर बताइए सर, सर आंसर बताइए 5000 का। जो ख़त्म हो गया है ना पेन उसको साइड में रखो ना, नहीं हाँ वेरी गुड। सर आप डॉट क्लास कब लोगे? तनुज गुप्ता डॉट क्लास आज ले लूँ, आज ले लूँ रात को 11:30 बजे डाउट क्लास राइट। अब बोल तो दो हमें लेने में क्या जा रहा है, तुम पढ़ने वाले बनोगे तो हमें पढ़ाने में क्या जा रहा है राइट, है ना। आप पढ़ने वाले तो बनिए, है ना मेरे बच्चे। मेरा तो जन्म ही हुआ है कि भाई जब तक आप ज़िंदगी में हो तब तक आपको पढ़ाते रहना है। ठीक है, उम्र होते जा रहे हैं, बुढ़ा होता जा रहा हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई, अभी तक तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ओके। ठीक है, तो मेरा तो काम ही है पढ़ाना। सुबह 8 बजे से लगे ना अपने काम में, रात को 1 बजे रात तक काम करना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही थी ना, रात को 1 बजे तक काम करना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूँगा। आप हमें घोषणा तो करो कि सर जी हमको पढ़ना है। तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो रात को 10 PM वाले सेशन में। ठीक है, देखो आपको क्लास आपको स्पेशल मिल जाएगा। आप लोगों को इंग्लिश की भी क्लास देनी है, याद है ना, बताया था ना राइट। 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 ये कितना आएगा? 1249। यही आंसर आएगा क्या? 1249 आएगा क्या? 1249 आएगा क्या राइट? 1249 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। सर आज रात को मैराथन ले लो, आज रात को डाउट क्लास के रूप में। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही कर दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे इन्होंने अपना टाइम फिक्स कर रखे हैं। क्लियर? देखो अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मुझे बताओ, एक और प्रैक्टिस दे रहा हूँ। 1 2 3 इंटू 123 राइट। आराम से सोचो राइट। 1 2 3 4 63 राइट। 1 2 3 4 97 बताओ कितने जीरो होंगे? आराम से सोचिए, जितना ज़्यादा सोचोगे। देखो कुछ नहीं करना है राइट, है ना, कुछ नहीं करना। मन्नू कह रही है लास्ट में बात करूं। पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। इंग्लिश की क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम, टेलीग्राम लिंक सबको पता है ना, सभी को पता है ना टेलीग्राम राइट, है ना। आप उस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए राइट, है ना। CSAT स्पेस बाय स्पेस संजय स्पेस कुमार शाह, CSAT स्पेस बाय संजय कुमार शाह। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो देखो, अगर आपको देखो 123 में अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, नहीं आता तो बेसिक से करो, ऐसे करो राइट, ऐसे करो डिवाइड। जैसे ऐसे तो आता होगा ना, डिवाइड किया हुआ 24। फिर 24 में क्या 5 से जा सकता है? जा सकता है राइट। फिर क्या 4 में 5 से जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो भाई 24 और ये 4 24 और ये प्लस 4 कितना होगा 28 जीरो। बिल्कुल बेसिक से करो, नहीं आ रहा है तो बेसिक से करो ना, क्या होगा टाइम ही लगेगा ना, लेकिन सीख के जाओ मेरे क्लास से, ठीक है सभी लोग। हाँ सर ये कमेंट बहुत, मेरे बच्चे इंग्लिश की इस टेलीग्राम लिंक पे आप सभी लोग सीरियस तरीके से रहिए, चिपक के रहिए, राइट है ना। इस टेलीग्राम पे एक डेली क्वेश्चंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, ये टॉपर्स लोग कहते हैं सीसैट स्पेस पोर्टल, राइट। आप इसको ज्वाइन करके रखिए, राइट। यहाँ पे आप सभी लोग सीसैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, राइट। ओके, इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में सबको आ रही है? ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ रही है बात? अब आ रही है आप सभी को समझ में? अब आ रही है समझ में? अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका फंडा बताता हूँ कि सर वाई यू आर डूइंग बाय दिस वे एंड इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन हाउ आई विल understand such kind of questions कि हमें how we should have to be tackle particular that kind of questions, right। हमें ये चेक करना है, ठीक है। आराम से सभी लोग चिपक के बैठे रहिए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूँ, राइट। 63 में अगर आपने क्या होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से करो, राइट। 63 में अगर आपने 5 से डिवाइड किया होगा तो ये 12 आएगा, 12 में अगर आपने 5 से डिवाइड किया होगा तो 2 आएगा, इसका आंसर आपका 14 0 आएगा, राइट। 497 में अगर आपने 5 से डिवाइड किया होगा तो 5 9 या 45 एंड 2 5 95 आया, राइट। 95 में अगर आपने 5 से डिवाइड किया होगा तो 19 आएगा, 19 में 5 से डिवाइड किया होगा तो 3 आएगा, राइट। तो 95 + 19 + 3, राइट है ना। तो ये आएगा आपका 117 0 आएगा, ठीक है। आगे बात 118 किसका आ रहा है, 18 आएगा क्या? चेक करो एक बार, हमारा तो 117 आ रहा है, 18 तो नहीं आना चाहिए। एक बार लास्ट वाला चेक करना। सोनम यादव, मैं यूपीएससी का ऑनलाइन बैच लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ले लो। अनअकैडमी के नंबर पे कॉल करके या तो टेलीग्राम से मुझे मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना और इस कोड को यूज करके आप ले लेना बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड SKS10, ठीक है मेरे बच्चे। राइट, नाइन्टी नाइन आ गया सर, आ गया ना 99? 99 99 आएगा क्या? 5 9 या 45, हाँ 99 आएगा। 99 यहाँ पे आएगा तो हाँ 99 आएगा तो 4 तो 121 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 121 आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सर इसका फंडा क्या है, राइट है ना। अब सर जो आप कर रहे हो ये, इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं? सभी लोग क्लास में प्रेजेंट है? यस, ऐसे ही चिपक के बैठे, राइट, ठीक है ना। अब क्लास सही चल रही है ना, रेगुलर लाइव आ रहा हूँ, है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब रेगुलर तो मैं लाइव आ रहा हूँ, ऐसे आप रेगुलर आप क्लास में सीरियस होकर पढ़िए, राइट। और सभी की क्लासेस को आप एक्सेस कीजिए, सभी सर की क्लास को आप देखिए, बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखना, जिन्होंने सेशंस को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देना, राइट, गुरुदक्षिणा के तौर पे शेयर कर देना। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, जो जीरो है, ये जो जीरो है, जीरो आपको, यानी कि शून्य जो है, शून्य आप किस किस संख्या को गुना करने पर आपको जीरो आता है, नॉट संख्या, हाँ अंक, कौन कौन से अंक को आप जब गुना करते हो, कौन से दो अंक को जब आप गुना करते हो तो आपको जीरो मिलता है, वो आप हमें बताइए, आराम से बताओ, आराम से समझना। किस किस संख्या अंक को गुना करते हो तो आपको जीरो आता है। लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचो। हाँ अंकिता वर्मा बेटा 121 आया, राइट है ना, इज इट क्लियर? यस। देखो सबसे पहली बात आप कहोगे, राइट है ना, देखो ध्यान से, आप कहोगे कि सर 2 गुना 5 भी अंत में जीरो आता है, होता है। अच्छा, जीरो आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 10 चाहिए या 100 चाहिए या 1000 चाहिए। तो ये क्या है? ये सब के सब क्या है? जैसे 10 को आप 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10000 को आप 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 10 की पावर n हो, राइट भाई, 10 की पावर 1 का मतलब उसमें टोटल एक जीरो है, 10 की पावर 2 का मतलब उसमें केवल 2 जीरो है, 10 की पावर 3 का मतलब उसमें केवल 3 जीरो है, 10 की पावर 4 का मतलब उसमें केवल 4 जीरो है, एट्सेट्रा। आपका n जीरो होगा। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, राइट है ना, आप इसको अभी थोड़ी देर समझिए, राइट है ना, समझिए। तो सबसे पहली बात तो भाई आपको 10 2 गुना 5 करोगे तब लास्ट में जीरो आएगा, राइट है ना, या 4 गुना आप 5 कर सकते हो, या आप 6 गुना 5 कर सकते हो, या आप 8 गुना 5 कर सकते हो, या 10 का 10। यही 2 अंक है, जिस 2 अंक को आप आपस में गुना करोगे मेरे बच्चे तो आपको जीरो मिलेगा। शिवानी अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब आएगा समझ में। नहीं आएगा समझ में तो आप जो मर्जी वो आप कह सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे को। अच्छा, क्या आप 4 को देखो, यहाँ पे देखो 2 है, क्या आप इस 4 को 2 गुना 2 कर सकते हो? क्या आप इस 6 को 2 गुना 3 कर सकते हो? क्या आप इस 8 को 2 गुना 2 कर सकते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, जितनी भी है सभी में कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो सभी के साथ है? तो देखोगे आप, देखो यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, यानी 2 गुना 5, राइट। इसका मतलब 2 गुना 5 की आपको क्या चाहिए? जोड़ी चाहिए, राइट। 2 गुना 5 की जोड़ी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि सर 2 गुना 5 का जोड़ी हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए। 2 गुना 5 की जोड़ी चाहिए। कभी भी आप दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखो, यानी पेयर, राइट है ना, आराम से समझिए ध्यान से। कभी भी जीरो की संख्या पूछे, नंबर ऑफ जीरो पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 गुना 5 का पेयर ढूंढना है, 2 गुना 5 का जीरो ढूंढना है। अपने आप जहाँ बैठे हो वहाँ 10 बार बोलो 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 का पेयर ढूंढना है, 2 गुना 5 का जोड़ी ढूंढना है, 2 गुना 5 का पेयर ढूंढना है, 2 गुना 5 10 बार बोलो जहाँ बैठे हो, और कम से कम 3 बार लिखो। जो नहीं लिखेगा उसके सपने में नाग देवता आएंगे। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, आराम से समझो, राइट, आराम से समझो, आराम से, आराम से समझो, आराम से समझो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। देखो देखो ध्यान से। अच्छा मैं अब आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ इसी के रिलेटेड। अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, और यहाँ 2 की पावर 3 है। इन सभी में टोटल कितनी है? 2 की पावर टोटल। और इन सभी में चेक करोगे 2 की पावर 1 + 2 3 1 4 और 3 7 7 इंटू 5 1 2 3 4 5 की पावर 4 5 की पावर 4। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। हाँ ठीक है, आराम से ऐसे ही चिपक के बैठा रहिए, राइट है ना। आपका ऐसे लगातार लाइव आना, मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर झुकना पड़ेगा आप सभी के सामने, और मुझे हर हाल में रोज़ आ करके आपको पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा था, आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, राइट? आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। देखो, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, मान लो दो को मान लो कि मैं लड़का समझता हूँ, राइट? 5 को मान लो मैं लड़की समझता हूँ। तो मान लो लड़का जो है आपका 7 है, लड़की जो है, लड़की की संख्या कितनी है? लड़की की संख्या कितनी है? 4 है। अगर किसी भी आपके गांव में या आपके घर में या कहीं भी, मान लो, सुनो, लड़का मान लो 7 है और लड़की मान लो 4 है, तो कितने लोगों की शादी हो सकती है? किसी भी मंडप में, है ना, अगर शादी करवानी है आपको, तो लड़का की संख्या 7 है और लड़की की संख्या 4 है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं? कितने जोड़े बन सकते हैं? 4 जोड़े बन सकते हैं, 4 ही जोड़ो, क्योंकि भाई लड़की तो 4 ही है, लड़का 7 है, बाकी 3 लड़के बच जाएंगे। उनमें से कोई लड़का पीएम बनेगा, कोई लड़का सीएम बनोगो, कोई लड़का डीएम बनेगो, ओके? कोई लड़का, समझ में आ रही मेरी बात, राइट? तो भाई साहब इसका मतलब है कि सर 4 ही जीरो होगा। केवल ये बात ध्यान रखना है कि इन दोनों, अभी देखो, अभी इसमें और समझाता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो 2 की पावर 18 है, राइट, और 5 की पावर 19 है, ओके, राइट। 2 की पावर 20 है, 5 की पावर 16 है, राइट। 2 की पावर 13 है, 3 की पावर 14 है, 5 की पावर 15 है, 7 की पावर 17 है। अब देखो ध्यान से देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सभी लोग देखो ध्यान से, यहाँ देखो 2 की पावर 18 है, 5 की पावर 19 है, तो भाई लड़का, मान लो, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो बॉय मान लो 18 है, गर्ल मान लो 19 है। बॉय 18 है और गर्ल 19 है। बॉय 18 है, ध्यान से समझे ना, बॉय 18 है और गर्ल 19 है, इसका मतलब 18 ही जीरो होंगे, क्योंकि 18 ही लड़के की शादी होगी, बाकी एक लड़की को यूपी की भूतपूर्व सीएम बनेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके, राइट? अब देखो 2 की पावर 20 और 5 की पावर 16 है, राइट। भाई लड़का 20 है, लड़की 16 है, इसका मतलब 16 ही जीरो बनेगा, राइट? 16 ही जीरो बनेगा। इसमें बताओ यार, ये पता नहीं क्या खुजली हो रहा है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं, इसको थोड़ा काटना, इसको दोनों काटना। देखो अब सुनो, देखो ये 2 जो है ना, ये 2 है आपका बॉय, ये 5 है आपकी गर्ल, राइट। लड़की 13 है, लड़का 15 है। अब भाई साहब ये 3 क्या है और ये 7 क्या है? भाई ये 3 और 7 जो है ना, ये लोग बाराती में आए हैं। ये लोग कहाँ आए हैं? ये लोग बाराती में आए हैं, ठीक है? कहाँ आए हैं? बाराती में आए हैं। अब भाई जो बाराती में आएगी उनकी थोड़ी ना शादी होती है, हैं? जो बाराती में आएंगे उनकी थोड़ी ना शादी होगी, उनकी थोड़ी ना शादी होगी, हैं? तो भाई आपका 2 और 5 के अलावा अगर आपको कुछ भी देखे तो उसका मतलब जो है ना कुछ भी नहीं है, राइट, है ना? उसका मतलब जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है? 2 और 5 ही आपको देखना है। आपको क्या देखना है? केवल और केवल आपका मतलब 2 और 5 है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आप आंसर किस बिहाफ पे दे रहे हो? भाई यहाँ पे 4 जीरो है, यो 18 जीरो है, यो 16 है, और यो भाई वहाँ पे इतनो जीरो है। भाई किस बिहाफ पे, भाई विच बिहाफ अबाउट, राइट, यू आर गिविंग हियर द आंसर, राइट? किस बिहाफ पे आप आंसर दे रहे हैं, ये मुझे आप बताइए। आप किस बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं, ये मुझे आप लोग बताइए। आप किस बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं, क्यों इस बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं? आप दोनों में क्या देख रहे हैं? मिनिमम देख रहे हो, दोनों में कम देख रहे हो, जोड़ आ नहीं कम देख रहे हो ना, हाँ राइट, कम देख रहे हो ना आप, राइट, इज इट क्लियर? दोनों में आप कम देख रहे हो ना, यस या नो? इसको भी काटना, ठीक है, रुको थोड़ा सा क्लास लेंगे, राइट। दोनों में आप किस जो दोनों में कम है इसलिए आप कम दे रहे हो आंसर, राइट है ना। तो इसका मतलब, इसलिए देखो यहाँ पे 5 की पावर 4 कम था इसलिए हमने 4 0 दिया, यहाँ पे 2 की पावर 18 था इसमेने 18 दिया, यहाँ 5 की पावर 16 था इसलिए यहाँ भी था, इसलिए 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 मेरे प्यारे बच्चे मैं हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं देखना यहाँ पर हमने 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भाई 2 की तो पावर बहुत हो जाएगी, हमें 5 की पावर चेक करना था, 1 2 3 4 5 63 तक है, हमें 5 से 2 की तो पावर बहुत हो जाएगी इसलिए हमने, हमें लगा 5 की पावर कम होगी इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 की पावर यहाँ भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, है फिर 5 कम होगा इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक है, राइट, इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अगर अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हो, ठीक है, तो आप हमें प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आप SKS10 कोड का रिप्लाई करके ज़रूर बताइए कि सर हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सर आज पानी पूरी खाने गए थे इसलिए लेट हो गया, ठीक है, तुम्हारी ये महा ढोको लो लो बच्चा हो तुम, राइट है ना, महा ढोको लो लो, ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? सर पहले मैथ्स को रेगुलर रखें, ओके, 2 क्लास अभी हुई है रीजनिंग की, ये ध्यान रखना, अभी आपकी 2 क्लास हुई है रीजनिंग को लेकर के, मेरी बात ध्यान से समझना, राइट है ना, आपकी 2 क्लास। देखो भाई अब आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट है ना। जैसे मान लो अगर 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना ऐसे ही गुना 100 तक लिखा हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 6 9 12 ऐसे ही अगर आप जाओगे 10 तक जाओगे, राइट है ना, राइट, ओके, राइट है ना। तीसरा क्वेश्चन 4 8, भाई ऐसे भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 100 तक जाओगे, हो सकता है नहीं हो सकता है, 6 12 18 24, ओके, और ये मान लो आपका 420 तक गया, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन करिए क्योंकि क्वेश्चंस तो कैसा भी हो सकता है बेटा, ये नंबर सिस्टम है, नंबर से पता है। देखो आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज़ इस चैनल पे मेरा प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम का होगा, उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, राइट है ना, आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े ही आसानी से आप उसको डील करके आप उसको देख सको, है ना, ठीक है। आशा कुमारी टेलीग्राम लिंक 12 से बढ़ो 10 की 10, सर हरी दूसरे देखो सर, सर पेपर में कैसे, दीपक मैं आपको बताऊं पेपर में कैसे आएगा वो भी दिखाऊंगा, मैं पेपर से बहुत ऊंचे लेवल पर आ दूँगा आप, है ना, पेपर तो आपके लिए बहुत ही आसान है, पेपर तो आपके लिए बहुत ही आसान है, पेपर तो मैं आपको उससे बहुत ही अलग लेवल का पढ़ा दूँगा, पेपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, पेपर का तो लेवल ही बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना, वो तो बहुत बच्चा लेवल है, पेपर का लेवल आपके एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही बच्चा है सर, इसलिए मैं तो आपको बहुत ही कुछ बता दूंगा, ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से देखो, देखिए अगर ये 2 4 6 8 100 है, राइट, तो क्या आप ध्यान से देखो मैं अभी कैसे लिख रहा हूँ, आपको फिर कैसे जल्दी सोचना है, क्या आप 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हो, क्या आप इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हो, क्या आप इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो, क्या आप इस 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हो, देखो सबको विजुअल हो रहा है प्रॉपरली, क्या आप सभी को विजुअल हो रहा है? इज इट क्लियर? राइट, ओके, देखो ठीक है इसको, और ऐसे ही आप इसको 2 गुना 50 लिखोगे। अब देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, फिर आगे 5 6 7 8, यहाँ 50 होगा। आप क्या करो, देखो अच्छा इसमें बताओ सभी के साथ दो लगा हुआ है, अभी देखो पहले देखो दो सभी के साथ लगाए, तो आप मुझे बताओ इसमें दो कितनी बार लिखा गया होगा, इसमें दो कितनी बार लिखा गया होगा। बिट्टू चौरसिया सर आप एनसीईआरटी भी करा दो ना प्लीज़, आप हमें करा दूंगा एनसीईआरटी, आप टेंशन ना लो इसमें, आप टेंशन नहीं लीजिए, राइट टेंशन नहीं, राइट है ना। दो कितनी बार लिखा गया होगा, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, राइट है ना। अब देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अब देखो इसको समझाता हूँ। देखो अगर मान लो एक बार लिखा है, अगर दो गुना दो दो एक बार, इसका मतलब दो जो है एक बार लिखा है, दो कितनी बार, एक बार लिखा, राइट। अगर मान लो दो गुना दो है, दो गुना दो है, इसका मतलब दो की पावर दो, तो दो जो है भाई आपका कितनी बार लिखा गया है, दो बार लिखा है। दो गुना दो गुना दो गुना दो, दो की पावर तीन, इसका मतलब दो जो है भाई साहब आपको तीन बार लिखा गया है, राइट। दो गुना दो गुना दो गुना दो, इसका मतलब दो की पावर चार, इसका मतलब दो चार बार लिखा गया है। आराम से समझिए, दो चार बार लिखा गया, राइट। अच्छा मुझे अब बताओ यहाँ पे दो गुना एक है, दो गुना दो है, दो गुना तीन है, दो गुना चार है, दो गुना पचास है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ दो एक बार, फिर यहाँ दो दो बार, फिर यहाँ दो तीन बार, फिर ये चार बार, फिर दो पचास बार लिखा गया होगा। क्या आप दो को ऐसे पचास ले सकते हो पावर, भाई दो पचास बार लिखा गया होगा, और यहाँ भी एक है, फिर यहाँ भी दो है, फिर यहाँ भी तीन है, फिर यहाँ भी चार है, ऐसे जाओगे तो यहाँ पर पचास हो जाएगा। अब समझो, आराम से समझिए मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझिए, राइट। घोजला कह रहे हैं सर प्लीज़ बताइए ना क्या पूछना, शाम को पूछना, राइट है ना, आराम से पूछना। मैं कह रहा हूँ सर देखो यूपीएससी का क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक है, हालांकि मैं तो करा चुका हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन, राइट है ना, मैं आपको करा चुका हूँ यूपीएससी के लेवल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सोचने का नज़रिया बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? आपको विजुअल नहीं हो रहा है क्या? दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ देखो देखो दिख रहा है। अच्छा देखो यहाँ दो की पावर पचास है, राइट है ना, तो दो की पावर पचास है। आप देखो एक से लेकर के पचास तक ये कैसा लिखा गया है, एक से लेकर के पचास तक मेरे प्यारे बच्चे ये कंटिन्यूस नंबर है, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो अब इसको आप ऐसे कर दो, पचास में पाँच से डिवाइड करोगे दस, फिर दस में पाँच से डिवाइड करोगे दो, फिर दो में पाँच से डिवाइड नहीं होगा तो दस प्लस दो करोगे तो ये आपका बारह जीरो होगा। क्या होगा आपका? बारह जीरो होगा। सर ये दो की पावर पचास का अब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने ये दो की पावर पचास बहुत ज़्यादा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमने यहाँ पे पाँच का ढूंढ लिया और सीधा आंसर बता दिया, सीधा आंसर बता दिया। पेशेंस रखो मेरे प्यारे बच्चे, पेशेंस रखो, राइट है ना, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, राइट है ना। अगर मुझे वही चीज़ पढ़ानी होती तो मैं आपको अब तक पढ़ा दिया होता। ओके यस या नो? जैसे देखो ये छः है, छः, तो छः को कैसे लिखोगे? छः गुना एक, इसको कैसे लिखोगे? छः गुना दो, इसको कैसे लिखोगे? छः गुना तीन, कैसे लिखोगे? छः गुना चार, इसको कैसे लिखोगे? छः गुना सत्तर। अब देखो भाई छः यहाँ एक बार है, फिर ये दो बार, तीन बार, चार बार, छः कितनी बार लिखा गया है? सत्तर बार लिखा गया है। तो छः की पावर सत्तर कॉमन ले लो, एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच, आराम से सत्तर तक लिखो। धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझिए, जो यूपीएससी की डिमांड है मैं वहीं आ रहा हूँ। यूपीएससी के डिमांड के लेवल का तो मैं आपको क्वेश्चंस करा ही दिया हूँ, राइट। यूपीएससी के डिमांड के लेवल का क्वेश्चंस मैं करा ही दिया हूँ, राइट। ओके ओके आराम से समझो, राइट आराम से। 720 कर दो तब तो 120 हो जाएगा, तब तो 120 हो जाएगा, राइट। देखो 70 तो भी आ जाएगा। देखो ये हो गया तो 6 की पावर 70 हो गया। देखो इसमें देखो देखो x कितना 70 तक है। 70 में आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 14 में 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका? 2 में 5 से 14 प्लस 2 करोगे आपका कितना आएगा? सीधा सीधा 16 जीरो आएगा। कितना आएगा आंसर आपका? 16 आएगा। कुछ बच्चे अभी भी देखो, अभी आप जल्दीबाजी मत करो, पहले इसको लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। आप हिंदी मीडियम को कोई बात नहीं, मैं एक दिन में नहीं वहाँ पहुँचूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग, राइट। आराम से समझिए, आराम से समझिए, आराम से, राइट है ना, आराम से समझिए, आराम से समझिए, आराम से। बेटा सचिन गौतम यूपीएससी का सिलेबस पता चल जाएगा आपको, राइट है ना, राइट। देख लिया सबने। मैं अभी एक बार और समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। ये 3 वाले पे आता हूँ, ये 10 कैसे हो गया, ये देखो इधर भी आता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो आपका 4 × 8 × 12 × 400 तक है, राइट। या मान लो 7 × 14 × 21 × 28 × मान लो आपका 420 तक है, राइट, 420 तक है। तो अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। आराम से देखिए, आराम से देखिए। ये जो 4 है, ये 4 × 1 लिखते हो, इसको 4 × 2, इसको 4 × 3, इसको 4 × 100। अभी आप थोड़ा सा मैं टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आप बड़ा जल्दी आप सॉल्व करेंगे, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखना आप यूपीएससी के क्वेश्चन कितने जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, राइट, ओके। अब देखो ये 4 कितनी बार लिखा है, 100 बार लिखा है। आप क्या करो, 4 को 100 पावर 100 ले लो, 1 2 3 ऐसे ही करोगे तो आपका 100 आएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो 100 में 5 से डिवाइड करोगे 20, 20 में 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 में 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो कितना आएगा आपका 24 0। अब आप उधर देखो, आराम से समझते चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आराम से समझिए। अंकित सिंह कह रहे हैं, गुरु जी बेटा अंकित एक बार आप शुरू से देखना, मैंने बता दिया था। ठीक है, ये क्लास डेली चलती है 3 PM, बट मैं आपको कहूँगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, CSAT बाय संजय कुमार शाह, राइट, CSAT बाय संजय कुमार शाह, यानी तो SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और रात को डेली 10 बजे ज़रूर देखा करिए। देखिए, देखो ये 7 है, तो भाई ये 7 जो है ये कितनी बार, ये 60 टाइम्स तक होगा, ये 7 × 60 टाइम्स तक होगा। तो आप क्या करोगे, 7 की पावर 60, 1 2 3 ऐसे जाओगे, 60 तक जाओगे, तो 60 डिवाइड बाई 5, 12, 12 डिवाइड बाई 5, 2, 12 + 2 करोगे तो ये आपका 14 0 आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? अगर आपको समझ में आ रही है, कभी भी अनअकैडमी से कोई भी कॉल आए, आप इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यूजिंग दिस रेफरल कोड SKS10। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? डिम्पल कहाँ फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से समझो ना। लो ना, मैंने आपको दे दिया टाइम्स, थोड़ा आराम से समझो, कोई बात। अगर आपको लग रहा है फास्ट पढ़ाने तो कोई बात नहीं, राइट, है ना, आराम से करो। देखो आराम से करो, मैं फास्ट नहीं करूँगा, आराम से करो, ठीक है, आराम से करो बेटा, आराम से करो, ठीक है। देखो 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 देखो, आराम से सोचिए, आराम से सोचो। पहले ये वाला करो। देखो नहीं आएगा समझ में तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। साउंड आ तो रहा है, ये क्लास थोड़ी देर और चलेगा 15 मिनट, तभी हम लोग यूपीएससी तक थोड़ा सा पहुँच पाएंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हालांकि नंबर सिस्टम में तो बहुत और भी चीज़ें पढ़ाने के लिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चे? अगर आप तैयार हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे कि यस सर आई एम रेडी फॉर दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। सर मैं भी आई हूँ। ये क्लास डेली कितने बजे होती है? बेटा ये क्लास 3:30 बजे होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो रात को क्लास होती है, उसको भी आप ज़रूर देखें। ये केवल हिंदी मीडियम के लिए है, वो क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए है ना। देखो समझ में जब ही आएगा क्लास जब आप इस क्लास को शुरू से देखोगे, राइट है ना। अगर आप लेट आए हो तो आप शुरू से एक बार ज़रूर देखना। 5 से ही क्यों भाग देंगे 4, ऐसा क्यों नहीं? ओहो सोनम कुमारी, क्योंकि 2 और 5 का ही पेयर होता है, 0 बनाने के लिए 5 जो है कम आती है इसलिए करते हैं डिवाइड। आप शुरू से देखे लिए होते तो आपको ज़रूर आता है, राइट है ना। एक बार आप और देखना, 1-2 बार क्लास मेरा करोगे रिपीटेशन में भी तो भी आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। आराम से सोचिए। नहीं राज, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। देखिए अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो 6 × 1, 6 × 2, ऐसे जाओगे तो 6 × 300 तक होगा। 6 जो है 300 टाइम्स लिखा गया होगा, इसलिए 1, 2, 3 × 300 तक। अब 300 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 60, 60 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे 12, 12 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे 2 और बाकी होगा नहीं तो ये कितना आएगा, ये आपका 740 आएगा। आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा अंश यादव, बहुत अच्छा अंश यादव, बहुत अच्छा अंश यादव, बहुत अच्छा, राइट है ना। इसका बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, राइट ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको करोगे तो 8 के पावर कितना आएगा, 500, राइट। एंड 1 2 3 ये आपका 500 आएगा। तो 500 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 100, 100 डिवाइड बाई 5 करोगे 20, 20 डिवाइड बाई 5 करोगे 4, तो ये आपका 124 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखो भाई, ये आप ऐसे ही करना है, राइट, ऐसे ही करना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल पार्ट है, लेकिन कुछ यहाँ पे देखो, रीजनिंग वाला सेशन भी हो जाएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्लास और चलेगी, क्योंकि यूपीएससी के लेवल तक हमें चलना है, ठीक है। यूपीएससी के लेवल तक हमें चलना है, ठीक है। इसलिए आप इसको टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, राइट, है ना। देखो देखो, अरे अरे ये क्या आ गया, अभी कहाँ से ख़त्म कहाँ हुआ, बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। नहीं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एक्सेप्शनल है, राइट, कुछ एक्सेप्शनल केवल 5 के लिए ही है, केवल 5 के लिए ही है। आप हमें बताओ मेरे प्यारे बच्चे, जीरो बनाने के लिए किसका किसका पेयर चाहिए, जीरो बनाने के लिए किसका किसका पेयर चाहिए, ये मुझे आप बनाइए। जीरो बनाने के लिए आपको किसका किसका पेयर चाहिए, है ना। जीरो बनाने के लिए किसका किसका पेयर चाहिए, जीरो बनाने के लिए आपको 2 और 5 का पेयर चाहिए, जीरो के लिए आपको 2 और 5 का पेयर चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही चीज़ अगर ऐसे लिखा हो, मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 × 10 × 15 × 20 × ऐसे ही मान लो आपका 100 तक लिखा हो। कहाँ तक लिखा हो, 100 तक लिखा हो, राइट, 100 तक लिखा हो, राइट, है ना। तो इसमें मुझे बताओ 5 की पावर कितना लोगे, फटाफट मुझे बताओ 5 की पावर कितना लोगे, फटाफट। सर मैं बहुत लेट से आई हूँ, समझ नहीं आ रहा है, शुरू से कैसे देख पाऊंगी सर। बेटा शुरू से देखोगे इस लेक्चर को तो ज़रूर समझ में आएगा, राइट, शुरू से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये ध्यान रखना, राइट, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, मेरी बात सबको समझ आ रही है। 5 की पावर यहाँ पे तो 100 है, राइट। तो आपको ये बात तो कन्फर्म है कि सर हम इसको 5 × 1 लिखते हैं, हम इसको 5 × 2 लिखते हैं, हम इसको 5 × 3 लिखते हैं, और हम इसी को 5 × 4 लिखते हैं, और इसी को 5 × 20 लिखेंगे। यानी कि एक बार 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, ऐसे 20 के साथ 5 है। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं सर 5 की पावर 20 लिखेंगे, और ये 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे 18 × 19 × लास्ट 20 तक होगा, होगा, होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मनीषा भोक्सिते, अंजू महतो 20 पावर, देवा रॉय, महादेव, सुशील यादव, सलमा, सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, राइट, सबको समझ में आ रही है। अगर आ रही है, राइट, तो भाई साहब ये 5 की पावर 20 है, इसका मतलब अब सुन देखो, अब यहाँ 5 है, तो अब आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे या किससे करोगे, अगर 2 और 5 का खेला है, राइट, 2 को छोड़ दो। अगर आप ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, देखिए अगर नोट लगा के ध्यान रखिए इस पॉइंट को, राइट, है ना। अगर 5 की सीरीज रहेगी, अगर 5 की सीरीज रहेगी तो भाई साहब 5 तो ज़्यादा बार आएगा ज़्यादा बार और 2 कम बार लिखा जाएगा। यस या नो भाई, इसमें मुझे बताओ इसमें 5 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा? सोया नहीं, नया नहीं किया। इसमें 5 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा ये मुझे बताओ। आप मुझे इसमें 5 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा ये मुझे बताइए। आशा कुमारी ये आप मुझे बताइए। इसमें 5 यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछी है, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। अभी यहीं से क्वेश्चन पूछिए। 5 ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, मेरी ध्यान रखो, राइट। अगर मेरे बच्चे 5 अगर ज़्यादा होगा, राइट है ना, अगर 5 ज़्यादा होगा तो आपको पता होना चाहिए जब 5 ज़्यादा होगा तो आपको 2 से कम, 2 से चेक करना है, 2 से भाग करना है, राइट है ना, इसलिए 2 से, राइट। तो अब आपको फिर से इस पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ जाइए और दिमाग में फिक्स कर लीजिए, आगे नहीं जाना है, ठीक है। देखो तो इसको फिर भूल जाओ। फिर यहाँ पे 20 है, 20 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 दूना 4, और 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, राइट है ना। तो 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18 जीरो होंगे आंसर, 18 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 18 जीरो। इस बात को ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, राइट। अब कभी नहीं बात, वेरी गुड। 5 से पहले सभी को समझ में आ रहा है? किसी को भी अनअकैडमी की तरफ से कोई भी कॉल आए तो आप प्लीज़ इस कोड को यूज़ करना, SKS10 कोड को यूज करके आप ज्वाइन करना अनअकैडमी पर, राइट है ना। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। फिर से देखो लकी, फिर से देखो लकी बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो। देखो जैसे मान लो कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना, ऐसे मान लो आपका 150 तक है, 150 तक है, तब कैसे करोगे? अगर मान लो 150 तक हो तब आप कैसे करोगे? ये आप हमें बताओ, आराम से बताओ, आराम से हमें बताओ। ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट है ना, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस, राइट है ना, क्वेश्चन। अगर मान लो इसी में मान लो, जैसे मान लो कि 5 गुना 10 गुना 15 गुना मान लो आपका 600 तक है, तब कैसे करोगे? आराम से सोचो, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या हुआ? क्लास में जाओ, जाओ जाओ। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, सीसैट का अलग से थोड़ा इंतज़ार करो, हो जाएगा, ठीक है। आज का आपने पढ़ा द हिंदू कि नहीं पढ़ा? किसी ने पढ़ा द हिंदू? आज के द हिंदू में क्या खास था? अरे ये कब का? ये आज का है ना, आज, अच्छा कल वाला भी दे दिया, राइट। आपको पढ़ना था ना, क्या था पता है? वीडियो देखने से अच्छा है कि खुद से पढ़ा करो, बहुत अच्छा है, ओके। खुद से पढ़ा करो पहले, उसके बाद कोई भी वीडियो देखो मेरे हिसाब से। स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, राइट। क्लियर? बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, वाह। ये है एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स, चूज अ न्यू प्लेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। बहुत अच्छा है, राइट। पेपर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त रखो, सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हो गया सॉल्व। देखो इसका कितना आया, इसका, 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 पहले वाले का, इसका। देखो इसका करोगे तो आपको पता होना चाहिए ये 5 × 1। अच्छा यहाँ पे 1 भी हुआ तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, अगर 1 होता तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ये ध्यान रखना। 1 होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 5 into 30। तो देखो ध्यान से 5 into 1, अब आप क्या करोगे 30 है तो 5 की पावर 30 कॉमन लोगे, 1 into 2 into 3 into 30 जाओगे 30 तक, बोलो हाँ या ना। 30 तक आप जाएंगे, 30 तक जाएंगे, 30 तक जाओगे, राइट है ना। अब देखो 30 तक जाओगे तो आप क्या करोगे, अब 30 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 आएगा, 15 में 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 में 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 में 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो 15 7 22 3 24 1 25, यार ये क्या हो गया, तो देख चेक करो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, चेक करो तो कहीं गड़बड़ नहीं आ रहा। कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, 15 7 22 3 24 1 25 आ रहा है यार, ये है क्या आएगा, सही है यार। 15 7 22, अच्छा 22 3 25 और 1 26 जीरो। सर जिसको भी समझ में आया कमेंट सेक्शन में ठोक दो SK S10, और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो आप, मेरा ये ध्यान रखना, राइट है ना, नहीं तो फरफरा जाओगे। हमेशा पढ़ो उन्हीं से जो ऑलरेडी टॉप एजुकेटर हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, राइट। कहाँ बाहर चलो, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे पढ़ो, किससे पढ़ो, किस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ो, किससे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो मुर्गा बनोगे, क्या बनोगे, मुर्गा, क्या बनोगे, मुर्गा बनोगे, क्या बनोगे, मुर्गा। 5 की पावर 120 तो 1 into 2 into 3 120 तक करना, 120 को करोगे। अब देखो ये 120 है, 120 तो 120 का डिवाइड बाई 2 करो, अब कर लोगे आंसर। अब समझ में आ गई बात, समझ में, राइट। 120 को आप करोगे ना, देखो अगर आप 120 को करोगे, राइट है ना, 120 बाई 2 करोगे 60, 60 बाई 2 करोगे 30, 30 बाई 2 करोगे 15, 15 बाई 2 करोगे 7, 7 बाई 2 करोगे 3, 3 बाई 2 करोगे 1। तो 60 और 30 90 दो 105, 7 12 3 15 और 1 16, 116 जीरो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार यूपीएससी इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछी है। यूपीएससी रेडी, देखिए हम ठीक है, बात समझ में आ रही है। नहीं ना, अभी नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर को एक क्वेश्चन तो देख लो, ढोको लो, आधा अधूरा पढ़ के क्यों जा रहे हो यार, हैं आधा अधूरा पढ़ के क्या करोगे। आजकल आदमी शादी भी करता है तो पूरे करता है, राइट। किसी को आपने देखा कि आधी शादी की हो, हैं कहाँ चलो, देखो ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको विजुअल हो रहा है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या आप सभी को क्वेश्चन विजुअल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप सभी को क्वेश्चंस विजुअल हो रहा है। इस एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, इस एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ध्यान से ये क्या पूछ रहा है, कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, आराम से सोचिए, आराम से, आराम से। आराम से सोचो, आराम से सोचो। बताओ सबको समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप सभी को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, राइट है ना? आप हमें बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ओके, देखिए सर, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60 है, राइट है ना? 60 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 12 है। 12 में 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है? देखो देखो ये, सॉरी ये 12 है ना, या तो ऐसे करो 5, ये 5 गुना इसको 12 आप करोगे, करोगे ना? और ये 5 गुना 1 है, एक है ना? हाँ, एक, राइट। तो भैया 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 12, और 1 गुना 2 गुना 3 गुना आपका कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा। अब इस 12 में 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 में 2 से डिवाइड करोगे 1, राइट? तो 6 + 3 9 + 1 करोगे कितना आएगा? आपका 10 आएगा और ये आंसर ये आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या जो आपको क्लास मिल रही है, क्या ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिल रही है, राइट? क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि सर आई एम गेटिंग दिस क्लास ओनली एंड ओनली फॉर एग्ज़ाम ओरिएंटेड? माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखो आप सीसेट और भी जगह कहीं से पढ़ लोगे, राइट? और भी जगह से पढ़ लोगे, राइट? वही बात होगी। मान लो सुनो, मान लो कि आपके दांतों में दर्द है, राइट है ना? और जनरल फिजिशियन के पास जाओगे, वो भी आपको मेडिसिन दे देगा, वो भी आपका दर्द आराम कर देगा, नहीं कर देगा। लेकिन अगर दांत का दर्द है तो भाई डेंटिस्ट के पास ही जाओगे ना। क्यों डेंटिस्ट के पास जाते हो? क्योंकि दैट पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन टीथ, राइट? हु इज एक्सपर्ट इन टीथ, राइट? उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होता है, वो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट? वो डेंटिस्ट है जो केवल दांत का ही केस देखते हैं। तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं है कि तुम ऑर्थोपेडिक्स के पास चले जाओगे। मेरी बात समझ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उन्हीं के पास जाओगे ना। जनरल फिजिशियन वो ऐसे होते हैं जो सिंपल एक MBBS होते हैं, जो सब कुछ आपको देख सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस या ना? लेकिन UPSC की तैयारी ठीक जो 2-3 साल का पेपर अब ये बता रहा है कि भाई साहब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, आपको उन सभी से आपको फॉलो करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे कहीं भी हो, जिनकी भी आपको समझ में आ रही हो, राइट? अभी तो मैं इसमें आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अभी जैसे 10 × 20 × 30 इसमें 1-2 क्लासेस और है, ठीक है? होगा तो नेक्स्ट क्लास में कल आपके सामने डिस्कस करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस पेशेंस के साथ रहिएगा, राइट? ओके अच्छे से फॉलो करिएगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा, ठीक है? हाँ, ललिता गिरी मिल सकती है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो और भी किसी को कोई चीज़ें हैं, रात को 10 बजे ज़रूर देखिए, टेलीग्राम लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, राइट है ना? अपने आप को ज़रूर फोकस करिए, राइट है ना? जितना हो सकेगा उस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। इसी सेशन पे मेरा रीजनिंग का भी सेशन आने वाला है बहुत जल्दी, 2 क्लासेस हुई है उसको। अच्छा, सबको आपको इसका वो पता है, आपको नहीं पता है? देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इस चैनल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और मेरा टेलीग्राम लिंक को आपको ज्वाइन करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? क्लियर? बच्चों पे ध्यान मत दो। बाकी दिस इज द पावर ऑफ रेफरल कोड SKSN अनअकैडमी पे कोई भी कॉल आए, कभी भी ज्वाइन करना हो, आप इस कोड को यूज करके जो है आप ज्वाइन जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अनअकैडमी पे अगर आपको किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, नीट, IIT, मेडिकल, आपको आपके दोस्त भाई बंधु को आप इस कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए आइटर मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। मेरे से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करूँगा और मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अनअकैडमी के आप पे फॉलो कर लीजिएगा, रात को 10 बजे ज़रूर देखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।